नमस्कार सभी साथियों को, सभी दर्शकों को, मेरे चैनल पर जो भी लोग बने हुए हैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज चैत राम नवमी का दिन है, मैं पूजा करने जा रही हूँ और आज 10 अप्रैल है, तो आज मेरे लिए खास दिन भी है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं 10 अप्रैल किस लिए खास बोली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। प्लीज, आप लोगों से नम्र निवेदन है। और मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ, चैत राम नवमी है जिस कारण से मैं नहा धो करके फ्रेश होकर के पूजा करने जा रही हूँ। पहले पूजा करूंगी, फिर उसके बाद में घर के काम काज को शुरू करूंगी, उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया में भी लगूंगी जिसके बारे में मैं हर एक एक बात से अवगत कराती रहूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद आप लोगों का, वीडियो देखते रहिए। ये मैं सेवइयां भून भून रही हूँ, आज सेवई बनाने जा रही हूँ, रामनवमी है। और एक और खास बात है जिसके बारे में मैं बताई हूँ कि मैं लास्ट में बताऊंगी। तो पहले सेवइयां भून लूँ, उसके बाद में इसे बनाऊंगी दूध में। ये बॉयल हो रहा, हाँ बॉयल तो हो गया। तो इस जगह पर अब मैं पनीर काट करके रखी हुई हूँ, इसको डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद फिर इसको मिला देंगे। ग्रेवी देखिए, ये ठीक होने लगा धीरे धीरे। एक बॉयल और होगा तो बहुत अच्छे तरीके से पककर रेडी हो जाएगा। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ और फिर रेडी हो जाएगा। ढक देती हूँ फिर से। ये लगता है हो गया है। ये रहा ग्रेवी। ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद में मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ज़्यादा ठंडा नहीं, गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये वाष्प निकल जाए और थोड़ा ठंड हो जाए। तो ठंडा होने के बाद में मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ढक देती हूँ सेट होने के। प्रणाम करो भगवान को। उधर भी दिखेगी। आज रामनवमी है, खीर और पूरी का भोग लगाई हूँ, बजरंगबली का, राम दरबार को माथा टेका नीचे। पापा को प्रणाम करो। तो ठीक है, ठीक। ये वी रहा पनीर और छोला, बाबू मेरी खाएगी और टेस्ट करेगी। आज इसका है सरप्राइज। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं चल रही हूँ अपने सरप्राइज की तरफ। वहां पर आप लोगों को मिलाऊंगी कि कौन सा सरप्राइज है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग को देखिए, पूरे अंत तक पता चल जाएगा। मैं चलती हूँ, वहीं पर मिलती हूँ आप लोगों से। तो किसी सरप्राइज के तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो ये है दुर्गा माता का मंदिर, जय माता रानी। और फिर मैं आगे निकल गई, अब सीधे वहीं पर मिलती हूँ आप लोगों से। माता का कचहरी चौक है, यहाँ मेरी शॉप है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आज नवमी है, आज देखने बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सजावट। ये तो मैं लुम्बिनी भवन पहुँच गई। ये पकड़िए ठीक से।
खुश रहिए, आदित्य राज खुश रहिए। सर को खिला दी, सर खा लिया आप सबको, पहले खा ले। हम भी खिला देते ना यशवी को, यशवी जितना बड़ा नेजर देख लीजिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, थोड़ा इधर देखिए। अबे हट, मेरा जितना बड़ा केक उतना बड़ा मुंह, याद रखना एक बात में जाना चाहिए। हाँ उठ के ना, कोर्ट में नहीं थी भाई, हो गया। कई आदमी हम लोग, दो दो चार दो छः दो सात सात आठ ठीक हो जाएगा। इसको धर्म पर क्या हो गया, छोड़ बोलिए जो ज्यादा का भाई लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी का होगा अभी, तुम खा ले पाई, उठा ले, टूट जाएगा यार, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, एक निकलेगा और दूसरा नहीं निकलेगा। तुम अपने ही खा लेंगे फिर, हम लोग हां आप वो काटिए, हम ये निकल रहे हैं। बच्चा की तरह कर रही है एकदम, दो साल का बच्चा सब नहीं, फूल खाएंगे फूल खाएंगे फूल खाएंगे फूल खाएंगे फूल खाएंगे फूल खाएंगे। अरे चम्मच है बेटा, उतना नहीं कम खाइए, नहीं ब्रेड है लेकिन, लेकिन वो डायबिटीज है क्या, ऊपर क्रीम हटा दे क्या, क्रीम हमको दे, हाँ दे दीजिए। आंटी आपको पूरा देना, नहीं नहीं आप ही सोच रहे सबको देने का, तो बच्चे तो नहीं खाएंगे, नहीं नहीं आज बर्गर लेते हैं जा, अबू आपने ले लिया, हमको कौन देगा, अबू क्या चम काफी से देखिए सर, इसे ले ले आपका, बस बस इसे ले ले, ये सुधार ले रहे हैं।
से निकालो, मशीन को निकालो, अब बहुत काम कर दे। गर्म है कि नहीं? है गर्म। कैसे निकाल रहे हो? मिक्सचर भी है बाबू? हाँ मिक्सचर भी है। चटनी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप समोसा खा रहे हैं? हाँ सही में थोड़ा सा खाए। आदित्य तुमको बोले हैं अंकल उसके बारे में, इलेक्ट्रिशियन के बारे में बोल रहे हैं। है क्या कोई? सुबह में पंखा करवाना है। कितने में? क्या बोल? दुकान लेके क्या अपना? अब बच्चे लोग खा करके सर तो बता दिए। हाँ हाँ सर तो सर कह रहे हैं, सर भी बता दिए, ऋषभ बाबू भी बता दिए। तुम लोगों को समोसा कैसा लग रहा है? चटनी तो बोले हैं ऋषभ बुआ की जो नहीं है। जो नई दुकान खुली नहीं है? नहीं ट्राई किए हैं। राजहंस सर्वोदय, सर्वोदय के जस्ट अपोजिट साइड में है। मेरा बर्थडे मन चुका है आज, यही सरप्राइज था। मैं इसका बर्थडे लुम्बिनी भवन में इसके सर के साथ और इसके जितने कोर्ट में जितने बच्चे लोग थे सबके साथ मिल करके केक काटी है। और हम लोग अब निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। नहीं अभी मंदिर, अभी मंदिर कह रही है बाबू जाने के लिए। अब हम लोग मंदिर में चल रहे हैं। एक अचहड़ी का दुर्गा मंदिर है, इसी जगह पर हमारा शॉप है, बगल में ही मंदिर के ही बिल्डिंग में है मेरा शॉप। हम लोग मंदिर में अब आ गए हैं, अब अंदर चलते हैं, फिर भगवान का दर्शन करेंगे, माता रानी का, लक्ष्मी सरस्वती, बजरंगबली, काली माँ, महादेव, ये सब लोगों का दर्शन करेंगे। ये चैत महीने का नवरात्रि है तो उतनी भीड़ नहीं है, फिर भी कुछ लोग आए हैं नवमी के अवसर पर। बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग फोटो शूट कर रहे हैं। ये माता है, ये माता रानी दुर्गा हैं और ये लक्ष्मी जी हैं। ये माता का है प्रिया जिसे बोलते हैं, और ये सरस्वती माँ है। और फिर इस साइड में लक्ष्मी माँ है। चलिए दिखाती हूँ लक्ष्मी माँ को। ये माता लक्ष्मी हैं और इधर काली जी हैं और पूरे मंदिर दिखाओ बेटा। सभी लोग पूजा करने के लिए आए हैं, इसका बर्थडे मन गया है तो मंदिर में ला करके माता रानी का आशीर्वाद दिलवा देती हूँ। चंदन लगा करके आशीर्वाद दिलवा दी और फिर मैं हनुमान जी के पास प्रणाम कर, सभी लोग प्रणाम कर लेते हैं। और बच्चे लोग भी इधर खेल रहे हैं,
आरती ले लेते हैं हम लोग। अब बजरंग बली का घंटी बजा दूं मैं और प्रणाम करके। ये बाबू मेरी कह रही है एक जगह और जाना है लेकिन बताई नहीं है, मुझे बुला करके बताई है। हम लोग अब बाहर निकल गए हैं, अब चलते हैं। देखती हूँ मैं झूला के लिए बोल रही है। खत्म था? नहीं नहीं, वो मेला ही खत्म हो गया। खत्म नहीं था, मेला खत्म हो गई थी तो नहीं मिला है, लेकिन ये बेचैन आत्मा मुंह बना के परेशान अपने बाप को बहुत ज्यादा करती है। इसका आज बर्थडे था ना, यशवी वही है, समझिए आप लोग। अभी इसको वापस लेकर हम लोग आ रहे हैं। बोलिए झूला मिला है? बोल ना बेटा, बोल ना, बाइक पर झूल रहा है, कार में नहीं मिलेगा। ये मैं बाबू के बर्थडे पर के लिए खाना बनाई, पूरी खीर और छोला पनीर। ये रहा मेरा सरप्राइज, मेरी बाबू का बर्थडे था। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए। तो कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज वाला ब्लॉग, आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक करें ज़रूर। अगर अच्छा लगे आप लोगों को ये ब्लॉग तो लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरे बच्चे के लिए और शेयर भी करें। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से। गुड नाइट।